कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में बूस्टर डोज की रणनीति अपनाई जा रही है, मगर वैज्ञानिक भविष्य में सामने आने वाले संभावित वेरिएंट के खिलाफ इस रणनीति को स्थायी समाधान नहीं मानते। प्रतिष्ठित नेचर पत्रिका में प्रकाशित लेख में वैक्सीन विशेषज्ञों ने कहा है कि अब हमें बूस्टर पर काम करने के बजाय ऐसे टीके तैयार करने की दिशा में लगना चाहिए जो कि कोरोना के नए स्वरूपों से ज्यादा ताकत से लड़ सके। गौरतलब है कि अभी कई देशों में कोरोना रोधी टीके की चौथी डोज बतौर बूस्टर दी जा रही है। जी हां, आपको बता दें ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बूस्टर को लेकर अब सोच बदल दी है। पहले संक्रमण की चपेट में आए किसी व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा को टीका लगवा चुके व्यक्ति के बराबर समझा जाता था, मगर ओमिक्रॉन जैसे बेहद संक्रामक वेरिएंट के आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पहले संक्रमित हो चुके व्यक्ति के शरीर में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि वह आगे भी संक्रमण में मजबूती से लड़ सकेगा। जैसे ही ओमिक्रॉन का प्रसार हुआ, वैक्सीन लगवा चुके लोगों के इम्यूनिटी स्तर को बढ़ाने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल शुरू हो गया। जी हां, इस तरह संक्रमण के मामलों को घटाने के अस्पतालों पर बोझ कम करने का प्रयास किया गया, जो कि एक हद तक सफल भी रहा। मगर बूस्टर डोज के एक साथ एक बड़ी चिंता यह है कि यह संक्रमण को बहुत लंबे वक्त तक नहीं रोक सकती। जी हां, आपको बता दें ब्रिटेन में साल 2021 के अंत तक एकत्र किए गए रियल वर्ल्ड डाटा से पता लगा है कि बूस्टर से मिलने वाली प्रतिरक्षा डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ तेजी से घट सकती है। एक अन्य प्रीप्रिंट अध्ययन से पता लगा है कि तीसरी बूस्टर डोज से मिलने वाली प्रतिरक्षा कुछ महीने के भीतर ही उसी तरह घट जाएगी जैसे पहले दो डोज से विकसित हुई प्रतिरक्षा। इस अध्ययन का कहना है कि यह प्रतिरक्षा अधिकतम 4 महीने ही चलेगी। एक विशेषज्ञ और हैं जो माइल्स डेवनपोर्ट का कहना है कि मौजूदा टीकों की बार बार बूस्टर खुराक देने से भविष्य में पैदा होने वाले कोरोना के स्वरूपों के खिलाफ प्रतिरक्षा कम मिलेगी। यह रणनीति लंबी अवधि में कारगर नहीं है। बीते 11 जनवरी को WHO ने बूस्टर को लेकर दुनिया को चिताया था। WHO ने कहा कि मूल वैक्सीन संरचना की बार बार बूस्टर खुराक लगाने की रणनीति एक उचित या टिकाऊ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।